I've fallen in love with I Love. I love. Él bole, wow. इस दुनिया में सभी को अपनी शुरुआत कैसे हुई ये पता होता है, अंत का पता नहीं होता। लेकिन मेरी शुरुआत कैसे हुई पता नहीं, मगर मेरा अंत मेरी नजरों के सामने है। ये जय अन्ना है। सिटी मार्केट इनके कंट्रोल में है। रियल एस्टेट, गुंडागिरी, पुलिस फाइनेंस, ऐसे हर जगह इनका राज चलता है। क्यों बे सोमू, आराम से बैठे हो? लक्ष्मी विलास होटल वाले ने पैसे लौटाए क्या? वो चार दिनों से सता रहा है, इसीलिए मैंने माल नहीं भेजा। उसे फोन लगा? हाँ। सुरेश है, जयन्ना का दाहिना हाथ। सब लोग इसे अंकल बुलाते हैं। मार्केट में जयन्ना के साथ ही बड़ा हुआ है, बहुत ईमानदार। अन्ना, सुरेश, ये आपको क्या हो गया? अन्ना, थोड़ा भी चूक जाता तो मैं नहीं बच पाता। आपको अकेले जाने की जरूरत क्या थी? मार्केट अपना है ना, करे सर। वो कितने लोग थे? यही 7-8 लोग रहे होंगे, सब नए लौंडे थे। एक पल के लिए मुझे लगा सब खत्म हुआ है, पर उतने में तेज है। अन्ना, अन्ना,
अन्ना क्या हुआ अन्ना? क्या हुआ अन्ना? अरे कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ भाई। ये महादेश, बचपन से ही अनाथ लड़के को लाकर जय अन्ना ने इसे खुद की औलाद की तरह ही पाला है। महादेश यहाँ आओ, यहाँ आओ। क्यों चिल्ला रहे हो? आपको कुछ हो जाता तो? मुझे पता है यहाँ किसने भड़काई है अंकल, वो मुथु अन्ना है अंकल। मैंने उसे दिन कहा था उसे टपका दो, आपने ही मना किया। देखा आपने, उसने मार्केट में ही हमला किया, कल घर तक आ जाएगा, उसे छोड़ेंगे नहीं। डॉक्टर ने स्कैनिंग के लिए बुलाया है। तुम जाओ, मैं आ रहा हूं। आदेश तुम चलो। अन्ना। सुरेश इसे ले जाओ। सुरेश मेरी बात ध्यान से सुनो, उस लड़के के बारे में पता करो, मिले तो उसे लेकर आओ। जी अन्ना। अंकल चलना, चल। जल्दबाजी किया मत तो। नमस्ते अन्ना। नमस्कार। नमस्ते अन्ना। छोड़ दो मुझे, मैंने कुछ नहीं किया। ये कौन है? गली में भटक रहा था, भाई ने कहा बांध के रखो। नहीं अन्ना, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया अन्ना, मुझे छोड़ दो। नमस्ते अन्ना। नमस्ते अन्ना। नमस्कार अन्ना। क्यों बहुत जल्दी में हो क्या? पापा कहाँ है? ऊपर है, ले गाड़ी में पेट्रोल भर, जा जल्दी कर। नमस्कार अन्ना। अन्ना उससे गलती हो गई, छोड़ दीजिए उसे, मैं माफी मांगता हूँ आपसे अन्ना। ए, चल निकल यहाँ से। पापा जड़ना बच निकला। फिर से बच गया। हाँ अप्पा हाँ, आपने ही लड़के भेज कर सेटिंग की है, ऐसा डाउट है उस चैनना को। उसे जो करना है करने दे, क्या उखाड़ लेगा, चल जा। उखाड़ेगा क्या, छोड़ेगा क्या, पहले उसको फोन करके बोलो आपने नहीं किया। मैं तुझे डरपोक लगता हूँ, जाकर उसके पैर पकड़ूं क्या? आज नहीं तो कल वो मेरे हाथों ही मरेगा। जाके अपना काम कर। उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, आपको ही मुझे विधवा देखने का शौक है तो मैं क्या कर सकती हूँ, मेरा नसीब जो मेरे गले पड़ गए, पता नहीं। hey, जाके अपनी माँ को समझा ले। माँ चुप करो ना, आपा को मालूम क्या करना है। हाँ सब तुमको ही मालूम है, उसकी तरफ ध्यान मत दो आपा। सिर्फ खाने के लिए मारा क्या? हाँ ना, एक तो दो दिनों से मैं भूखा था, अच्छा खासा खाना खाने बैठा था, उसने ठोकर मारी इसलिए धुलाई की। दो दिन खाए बिना ऐसी धुलाई की? अन्ना खाने से मतलब नहीं है, जिगर होना चाहिए जिगर। ए, तू कौन से गांव से? आप कौन से गांव के? मैसूर से हूँ। मैं भी मैसूर का ही है। ओ। और आपका गांव? मांड्या। मैं भी मांड्या से। क्या बे, मैसूर बोला तो मैसूर बोलता है, मांड्या बोला तो मांड्या बोलता है, कौन सा गांव है तेरा? है गुस्सा मत करो अन्ना, मेरे को इतना मालूम है कि दादी ने मेरा देखभाल किया और उसके बाद वो भगवान को प्यारी हो गई, फिर तो मैं गांव गांव भटकता था, जो काम मिले वो करता था, अपना पेट भरता था, जिधर जगह मिले सो जाता था। लेकिन अन्ना हफ्ते में मैं दो पिक्चर देखा करता था, परसों ही एक पिक्चर देखा मैंने मक्खी का, ऐसा करता था, बहुत धांसू पिक्चर था अन्ना, उसमें सुदीप को कैसे परेशान कर दिया उस मक्खी ने। ए, मेरे साथ रहोगे क्या? रहूंगा ना अन्ना, लेकिन मेरी एक कंडीशन है, मेरे को तीन वक्त का खाना चाहिए, हफ्ते में दो पिक्चर दिखाना पड़ेगा, ऐसा ही तो रहूंगा, ठीक है ना? तुम्हारा नाम क्या है? टायर भाई। टायर? वही अन्ना, कालिया पागल डीजल पेट्रोल जैसे रखते हैं ना, वैसा इसने भी रख लिया होगा। ए, सही नाम बोल दे रहा। मेरा नाम ही टायर है अन्ना, वो क्या है ना, बचपन में मैं टायर से खेलता था तो छोटे बच्चे मेरे को टायर 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 करके बुलाते थे, तभी से मेरा नाम टायर पड़ गया। तेरा नाम ठीक नहीं है, मैं तुझे दूसरा नाम दूंगा। अन्ना जो तुम्हें ठीक लगे उस नाम से पुकारा करो। मेरे भगवान गणपति के भेष में आकर मुझे बचा लिया, आज से तुम्हारा नाम टायर नहीं गणपा होगा। हे भगवान। वृंदा कितना इंतजार करवाओगी बेटी? माँ इतनी भी क्या जल्दी है, पहली सैलरी से मैंने मोबाइल लिया है, गणेश को नहीं दिखाऊं क्या? बस बैग दीजिए, अब चलिए। हे भगवान। माँ 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 क्या हुआ, माँ क्या हुआ, क्या हुआ माँ, माँ क्या हुआ?
मुथु अन्ना को बाहर कहीं मार नहीं सकते क्योंकि उसके लड़के हमेशा उसके साथ रहते हैं। उसके एरिया में वो अकेला मिलेगा, लेकिन वहां भी उसे छूना बहुत मुश्किल है क्योंकि हमारे लड़कों को वो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। इसलिए एक ही रास्ता है अन्ना, अगर उसे मारना है तो नया लड़का चाहिए। मेरे ही मार्केट में मुझे मारने की कोशिश की, उसको उसी के एरिया में मारना, तब जय अन्ना का खौफ रहेगा। उसको मैं मारूंगा अन्ना। मुथु अन्ना के बारे में तू क्या जानता है? मैंने तो उसे बचपन से देखा है, वो मामूली नहीं पागल है, पागल। ऐसे बहुत से पागल देखे हैं अन्ना, इसको भी मैं नहीं छोड़ूंगा। मेरा विश्वास करो, मैं आपके लिए कुछ भी करूंगा अन्ना। नींद खराब कर दी है। तूने मुंह क्यों ढका है? ठंडे अन्ना निकाल। तू है? ए, क्या हो रहा है? कुछ नहीं अन्ना, इसने मुंह ढक कर रखा था ना, इसलिए पूछताछ कर रहा था। चल ठीक है, मोटर ऑन कर दे और जल्दी से पेपर ला। ठीक है अन्ना। ए, चल 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 निकल। अन्ना, गणपाने मुथु अन्ना को मार दिया। लेकिन गणपा पकड़ा गया अन्ना।
मैं तो तुझे पप्पू समझा था, तू तो खिलाड़ी निकला। अन्ना इस बात पे पार्टी हो जाए, पार्टी तो बनती है अन्ना, पार्टी बनती है। अंकल ये आपका घर है? चुप कर, इधर आना। जानी मन, अब तक क्यों नहीं सोई तुम? टाइम का कोई अता पता है? क्या आप तक एक दिन भी, आप कभी घर आए हो जल्दी? कोई पूछने वाला नहीं है आपको? आपसे शादी करने से तो अच्छा था कि कुएं में कहाँ जा रहे हैं अंदर? बोल बोल कर थक गई हूँ पर आप। ये कौन है? मैंने तुझे बताया था ना, इसी ने जैना को बचाया था, नया लड़का है। नाम क्या है? टायर। हाँ? टायर आंटी। टायर? वो बचपन में मैं टायर चलाता था ना, तो वो छोटे बच्चे मेरे को। ए, तू चुप भी करेगा गणपा? तू तीन ग्लास ले ना अंदर से। फिर से पीना है क्या? वो तूने कहा था ना कि घर के अंदर नहीं पीना, तो मैंने सोचा कि क्यों ना थोड़ा सा बाहर पी के आ जाऊं, अभी बैलेंस नहीं बन रहा है इसलिए। इतना पियोगे तो किसी दिन मर जाओगे, पिया कर कहीं के। इसकी तो अंकल आंटी की गालियां तो समझ गया। हाँ। लेकिन वो कुछ पियक्कड़ बोल रही थी, उसका क्या मतलब है? वो दिल्ली से शादी करके लाया था, मुझे वो मेट्रो में मिल गई, एक डीलिंग करने के लिए गया था और ये डील हो गई। बहुत बड़े घर की लड़की है, सब कुछ छोड़कर मेरे साथ आ गई। तब बहुत स्मार्ट था मैं, प्यार में तो थोड़ा बहुत झगड़ा चलता ही रहता। दो घूंट पीने के बाद आवाज ज्यादा बढ़ गई है ना आपकी? ये तो शुरुआत है। हे जानू, तुम नाग नागिन देखते रहना, बाद में कहानी सुनाना। ये क्या है? ये नया मोबाइल किसका है, किसने लिया? मुझे कौन काय को किया? ए, किसका फोन है वो? ना अंकल, सुबह मुथु अण्णा के लोग मेरे पीछे पड़े थे, तब मैं कचरे के डिब्बे के पास छुपा हुआ था, वहीं पर ये मोबाइल की करके रो रहा था, पकड़ा जाने ही वाला था, इतने में स्विच ऑफ करके वहां से भाग निकला। इस फोन की वजह से मेरी जान भी जा सकती थी अंकल। ये टायर, देख किसी का फोन आ रहा है। गणेशी गणेशी कृपा कीजिए। हेलो हेलो अंकल, कोई लड़की है अंकल? वृंदा बोल वो रही सिर्फ हूं। एक लड़की है, नागिन नहीं है। चल बात कर। हाँ बोलिए। आपके पास जो मोबाइल है वो मेरा है। सुबह मंदिर गई तब मेरा मोबाइल खो गया था सर, तब से मैं लगातार फोन कर रही हूँ सर, स्विच ऑफ आ रहा था। आप प्लीज मेरा मोबाइल वापस कर दीजिए अंकल। हाँ। ये मोबाइल उस लड़की का है, दे दूं क्या उसको? ये आजकल की लड़कियाँ खाने के बिना जी सकती हैं, लेकिन मोबाइल के बिना ना बाबा ना। चल वापस दे दे। ठीक है, आके लेके जाना। नहीं अब नहीं आ सकती, माँ हॉस्पिटल में है। ठीक है तो फिर मैं ही देके जाऊंगा, बोलिए कहाँ आना है। नहीं नहीं कल मैं आपको फोन करके बताऊंगी कि कहाँ मिल सकते हैं, तब तक फोन आपके पास रहने दीजिए। नया मोबाइल है सर, मैंने कल ही खरीदा था। मोबाइल की चिंता आप मत करो, माँ की देखभाल करना, सब ठीक हो जाएगा। थैंक यू सर। क्या? थैंक यू सर। तुम्हारी माँ की सर्जरी करनी पड़ेगी ऐसा सोचा था, बट गॉड इज ग्रेट, सब एंजियोग्राफी से क्लियर हो गया। एनीवे फिलहाल दो तीन दिन रहने दो उन्हें, देन यू टेक केयर ऑफ हर एट होम। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। माँ आपको जल्दी डिस्चार्ज मिलने वाला है, दवाइयाँ लेकर आनी है। मैं लेकर आती हूँ। सौम्या तुम यहाँ माँ के साथ रहना, मैं लेकर जल्दी आना। सौम्या। क्या माँ? वृंदा पुरानी बातों को अभी भी दोहराती है क्या? नहीं माँ, जब से उसने नई नौकरी पे जाना शुरू किया है, उसने उस लड़की के बारे में, उस मामले के बारे में बात करना ही छोड़ दिया है। इनफैक्ट वो सब भूल चुकी है। मेरी आंखें बंद हो जाने से पहले मेरी बेटी की शादी हो जाए तो मैं चैन से मर सकूंगी। माँ आप टेंशन मत लीजिए, आपको भी कुछ नहीं होगा और उसे भी कुछ नहीं होगा। मच गया शोर सारी नगरी में, सारी नगरी। ओए जाना पहले चाय दे। या गोइंग। हाय ब्रो, कम इन, हैव अ टी। नया है क्या? या नाम क्या है तेरा? माय नेम इज लोकी। बिल्कुल सही नाम है तेरा, शक्ल भी वैसी है। नो इंसल्ट यार। कौन से गांव से? फ्रॉम चंद्राई पटना। चंद्राई पटना? या कितना पढ़ा लिखा है? थर्ड स्टैंडर्ड डिसकंटिन्यू। आजकल चाय बनाने वाले बहुत कुछ करते हैं, तू भी करेगा? नो डूड। चल जा यहां से। हैव टी। हां चाय ले लो। कहां कहां से आ जाते हैं? By the way, are you in Facebook? तेरी तो फेस तोड़ूं। बस पूरे दिन गाने सुनता रहा। या मैं हूँ सर। कौन? वही जो कल रात को कॉल किया था ना, मेरा मोबाइल खो गया था। बोलिए मैडम, ठीक हो ना? हाँ। बाकी आपकी माँ कैसी है? ठीक है। मैंने बोला था ना माँ को कुछ नहीं होगा। ठीक है, मोबाइल आपको कहाँ लाके दूँ मैडम?
गोपालन मॉल पता है आपको? ढूंढ लूंगा मैं, बोलिए मैडम। शाम को 5:30 बजे मैं वहाँ आकर कॉल करूंगी। ठीक है मैडम, कॉल कर लीजिए। इफ यू डोंट माइंड, क्या मैं आपका नाम जान सकती हूँ? मेरा नाम टायर है मैडम। क्या टायर? हाँ। वो मैं बचपन में टायर चलाता था ना। क्या टायर टायर लगा रखा है? गणपा बोल उसे। मेरा नाम गणपा है मैडम। टायर वायर कुछ कह रहे थे? वो यहाँ पे एक लॉरी का टायर पंचर हो गया था ना मैडम, इसलिए ऐसा बोल दिया। आपका नाम क्या है? My name is वृंदा। वृंदा, बहुत सुंदर नाम है मैडम। थैंक यू। थैंक यू। ठीक है, ओके बाय। ए गणपा, उस लड़की से बहुत ज्यादा बातें हो रही हैं, जरा बच के रहना। अरे वैसा कुछ नहीं है अंकल। जानती हूँ, मेरा फोन जिसके पास है उसका नाम गणपा है। सच एन इंटरेस्टिंग कैरेक्टर। वो कितनी फनी बातें करता है पता है तुम्हें? वृंदा सर, यू आर अनफिट फॉर दिस जॉब। यू आर नो मोर अ टेलीकॉलर। वो सर, आई एम सॉरी सर। यू हैव बीन प्रमोटेड एज अ टीम लीडर। कम ऑन गाइस, लेट्स चीयर। ओह माय गॉड, कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच। मैडम फोन, फोन। ए चल हट। आपका फोन? ये आपका फोन है क्या? हेलो मैडम, फोन फोन मैडम। हेलो हेलो, फोन फोन। कम कम, क्यों इतनी चिल्ला रही हो? पहले फोन दो मुझे। अरे काउंटर पे कितनी भीड़ थी, पहले देखा? फोन दो ना। ये लो। क्या है? कुछ नहीं। दीदी फोन आपका है क्या? नहीं भैया। क्या रे? चल मोबाइल छोड़। ए मोबाइल देख लो इसका। चल छोड़ो। क्या हुआ? फोन नहीं लग रहा है। बहुत हीरो बनता है। लड़की को छेड़ेगा? ए वृंदा, कितना इंतजार करेंगे? आना होता तो अब तक आ जाता। तो एक काम करते हैं, हम पुलिस में जाके मोबाइल की कंप्लेंट करते हैं। चल और इंतजार करते हैं ना। कुछ बोला उसने? नहीं सर, कितना मारा फिर भी मुंह नहीं खोलता, पत्थर जैसा है। लेकिन 2 बिरयानी खा गया सर। आओ महादेश, क्या बात है? क्या बात है इंस्पेक्टर साहब, आपने हमारे लड़के को अंदर डाल दिया। क्या महादेश, कैसी बातें कर रहे हो? मैं तुम्हारे लड़के को अरेस्ट करूंगा। बस बहुत हुआ, छोड़ उसे। ए गणपा उठ, देख क्या रहा है, बहुत मारा क्या? अंकल पूरी धुलाई कर दी। हे, किसके साथ काम करता है बताना चाहिए ना। क्यों इंस्पेक्टर, क्यों मारा मेरे आदमी को, बोल। देखो अंकल, इस लड़के ने मुथन्ना का मर्डर किया है, उसके लोग इसका पीछा कर रहे थे, ये मॉल में है ऐसी इन्फॉर्मेशन मिली, वहां से अरेस्ट करके लाई इसे। वैसे भी ये आपका लड़का है ये पता नहीं था? FIR बनाया था? अभी नहीं, हमारा लड़का शाम को खुद सरेंडर कर देगा, छोड़ो इसे। ये कैसे पॉसिबल है महादेश? जयन्ना ने ऐसा कहा है। ठीक है, चलो। ए उसे छोड़ दो। जयन्ना के लड़के हो, पहले बताना चाहिए था ना तुम्हें। बिरयानी में पीस नहीं था सर। अगली बार दूसरे होटल से मंगवाना। उसका नाम टायर है, उसके आगे पीछे कोई नहीं है। मार्केट में जब जयन्ना पर अटैक हुआ था तब उसी ने बचाया था, उसी दिन से जयन्ना ने इस लड़के को अपने साथ रखा है। जयन्ना पर आपने अटैक करवाया, इसलिए उस लड़के ने आपके पिताजी का खून किया, और इसीलिए मैंने उसे अरेस्ट किया था। इतने में जयन्ना के लोग उसे छुड़ा कर ले गए, मैं कुछ नहीं कर सका। कौन है टायर? माँ, माँ,
अप्पा को किसने मरवाया पता चल गया। उस कुत्ते को छोड़ूंगा नहीं मैं। अप्पा के खून का बदला मैं जरूर लूंगा मां। हेलो, गलती कर दिया जैन्ना, तूने गलती कर दिया। गलती मेरी नहीं, तेरे बाप की है। मैंने कितनी बार वार्न किया था, सुना नहीं? मुझे मारने आएगा तो मैं क्या चुप बैठूंगा? ए, मार्केट में तुम पे जो हमला हुआ था वो मेरे अप्पा ने नहीं करवाया था। जैन्ना, स्टार्ट तूने किया है, खत्म मैं करूंगा खत्म। क्या हुआ ना? मार्केट में जिसने मुझ पर अटैक किया था वो मुथु अन्ना की गैंग नहीं थी। किसने बताया? रघु ने। क्या अन्ना, वो झूठ बोल रहा है। अरे मुथु अन्ना तो मर गया, रघु झूठ क्यों बोलेगा? अगर वो जिंदा भी रहता तो हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम था। अच्छा हुआ मर गया। आप चिंता मत कीजिए अन्ना। ठीक है, कुछ भी हो हमने जल्दबाजी कर दी। अंकल, उन्होंने ऐसे क्यों कहा? जन्ना और मुथुन्ना बहुत क्लोज फ्रेंड्स थे, मार्केट में साथ में बिजनेस करते थे। वहाँ अनप्पा नाम का एक गुंडा था, वो सबको परेशान करता था। उसे मना करने की हिम्मत किसी में नहीं थी। उसकी परेशानी से तंग आकर जन्ना और मुथुन्ना ने मिलकर एक दिन मार्केट में उसे काट कर फेंक दिया। उसके बाद में दोनों ने मार्केट में खूब नाम कमाया, पूरा मार्केट उनके कंट्रोल में था। उसके बाद जब भी वो एक दूसरे को देखते थे चिढ़ जाते थे, पता नहीं क्यों। मुथु अन्ना ने जयन्ना पर बहुत बार अटैक करवाया। अन्ना ने मुथु अन्ना को चेतावनी दी लेकिन उसे समझ में नहीं आया। मुथु अन्ना बार बार अटैक करवाता रहा, अन्ना की बात उसे समझ में नहीं आ रही थी। आखिर में मुथु अन्ना की मौत तेरे ही हाथों होनी थी। अब पता नहीं इसके बाद क्या होगा। एक्सक्यूज मी मैडम, आप कब से फोन यूज कर रही हैं? हमें भी इमरजेंसी कॉल्स आते हैं, सो प्लीज। आई एम सॉरी, दैट्स ओके। ओह माय गॉड, अब तक उस फोन को भूल ही नहीं क्या? अब छोड़ो भी, अब तो वो मिलने से रहा, कंप्लेन करती तो कुछ होता। सौम्या, एक बार लास्ट ट्राई करते हैं ना, तेरा मोबाइल देना एक बार प्लीज। ठीक है, जो करना है वो कर लो। लो थैंक्स। ए, फोन बज रहा है तेरा। बोलिए। फोन देना है तो दो, नहीं तो ना बोलो। और कितना टाइम वेट करवाओगे? कब से फोन कर रही हूँ मैं, स्विच ऑफ आ रहा है। क्या मैडम, जो भी मुंह में आए वो बोलती जा रही हो। मैं कितनी देर से इंतजार कर रहा था पता है? पुलिस आकर मुझे। ए, गणपा। हेलो, क्या बता रहा है उसे? Hello? फिर क्या अंकल? Hello? जो मुंह में आए वो सुनाई जा रही है। क्या बोलेगा उसे? मर्डर किया है तूने, पुलिस स्टेशन गया था। और क्या बताऊँ, बोल दे, अर्जेंट काम था। और क्या? हेलो, कुछ तो बोलो। वो मेरे को एक अर्जेंट काम था, आकर अपना फोन ले जाओ। अभी नहीं आ सकती क्योंकि मेरी माँ को कल डिस्चार्ज मिलने वाला है। ठीक है, तो घर से किसी और को भेज दो। मेरी माँ के अलावा मेरा कोई नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं लाकर दे दूंगा। कब आना है बोलिए। कल सुबह 11 बजे इंदिरा गांधी हॉस्पिटल के वहाँ आइए। ठीक है मैडम। आपको कोई परेशानी तो नहीं हो रही है ना? ऐसा है, कुछ नहीं है मैडम, सब ठीक हो जाएगा। थैंक्स गणपा। देखा उसके बारे में कितना गलत सोच रहे थे। किसका है? इंश्योरेंस कंपनी से। अच्छा, हेलो। हाँ, मैं वृंदा। क्या सच्ची? थैंक यू सो मच। क्या हुआ? माँ का इंश्योरेंस क्लेम पास हो गया है। वाह, ज्यादा पैसे नहीं पे करने पड़ेंगे। कांग्रेट्स यार। थैंक यू सौम्या। मैं परसों से एक बात ऑब्जर्व कर रही हूँ, वो जब भी फोन करता है मेरे सब काम अच्छे हो जाते हैं। देख, ये सब कोइंसिडेंट की बातें हैं, ये सब बेकार की बातें मत सोचना। पहले उसे मोबाइल तो देने दे, फिर उसके बारे में ये सब सोचना। ठीक है, मैं चलती हूँ, माँ को डिस्चार्ज मिलेगा तो बता देना। बाय बाय। का डिस्चार्ज हो गया है, आप ले जा सकती हैं। मेरी हेल्प करेंगी? बोलिए। गणपा नाम से कोई मुझे पूछता हुआ आए तो 10 मिनट वेट करने के लिए बोलिए, मैं तब तक माँ को लेकर आती हूँ। ठीक है। मैडम, वन सेकंड सर।
यस सर। मैडम इधर कोई वृंदा। आप कौन? मैं टायर हूँ, गणपा। ओ ओके ओके, वो अपनी माँ को लेकर आ रही हैं। आप 5 मिनट वेट कीजिए, वो आ जाएंगे। ठीक है मैडम। मेरा गलती था, माफ कर दो, बुरा मत मानना। थैंक यू। अरे मैडम, इधर फोन रखा था। मैंने नहीं देखा। मुझे कोई पूछता हुआ आया था क्या? गणपा क्या? हाँ वही। हाँ अब तक यहीं वेट कर रहे थे, शायद उनका मोबाइल गुम हो गया है, बाहर ढूंढ रहे होंगे। अच्छा। वृंदा, मुझे बहुत थकावट हो रही है, जल्दी चलो बेटी। हेलो। अगर गणपा आ जाए तो कहना मैं वेट करके चली गई। हेलो, हो गया क्या? अरे भाई आज ही गाड़ी चाहिए। ए इधर आ, इधर आ, वो देख टायर जा रहा है, वो देख। हेलो अन्ना, टायर यहाँ से जा रहा है। ए पीछा करो, पीछा करो, छोड़ना नहीं उसे, मैं अभी आया। ठीक है अन्ना। सुनिए वृंदा जी आ गई क्या? वृंदा जी अभी उनकी माँ को डिस्चार्ज मिला, वो चली गई। अच्छा। अब तक तो फोन ट्राई कर रही थी, शायद नीचे ही होंगी। ठीक है मैं देखता हूँ। हाँ ठीक है, देखते हैं। मैडम मैडम रुके रुके रुके, लीजिए मैडम आपका फोन। फोन? हाँ। मेरा नहीं है, आप कौन है? आप वृंदा मैडम है ना? मैं वृंदा नहीं हूँ। नहीं क्या? चलो माँ। वो देखो अन्ना, टायर। सुरेश, गणपा है अपना। हाँ ना, वही तो है। रुक जा बे, गाड़ी घुमाओ जल्दी। जल्दी चल, चल, जल्दी करो। जल्दी जल्दी। गणपा, गणपा, अंदर आ, अंदर आ। जल्दी जल्दी। ए, तो उनके चंगुल में कैसे फंस गया? अन्ना, हम नहीं होते तो तेरे टुकड़े टुकड़े कर देते। इतनी बार बोला है अकेला जाना नहीं, गलती अपनी थी, हमें मुथुना को खत्म नहीं करना चाहिए था। क्या आप उसको सपोर्ट कर रहे हो? अगर आप बोलोगे ना तो उसको उड़ा दूंगा मैं। ए, तू थोड़े दिन चुप रहे, कल अपना अरुण रिलीज हो रहा है। ठीक तो है ना तू बेटा? चल घर चल। अरुण
इसका नाम गणपा है। अंदर खबर मिली होगी ना बेटा, आज अगर मैं जिंदा हूं तो सिर्फ इसकी वजह से, सिर्फ इसकी। बेटा पुरानी बातें भूल जा। बेटा अगर तू 10 लोगों को भी मारता और तुझे जेल हो जाती तो मैं एक दिन में तुझे बाहर ले आता। लेकिन तूने मारा भी तो किसको मारा बेटा? एक पुलिस वाले को। बेल लेने में कितनी तकलीफ हुई पता है तुझे? अब तेरे सिवा मेरा कौन है बेटा? फिलहाल तू उस तरफ ध्यान मत दे बेटा, सब कुछ सही हो जाएगा अरुण। गणपति का श्लोक बुक और सब फोटो बैग में रख दीजिए। पूरी बैग में सिर्फ गणपति के ही फोटो भरे हैं। कपड़ों से ज्यादा तुमने वही भर रखे हैं। माँ ज्यादा गुस्सा मत कीजिए, मेरे गणपति की वजह से ही आप ठीक हो गई है पता है। देखिए ये गोली सुबह की, फिर ये गोली दोपहर को, और ये रात की, याद से ले लेना और खाने का ध्यान भी रखिए। ये क्या, अब तक तुम रेडी नहीं हुई? अरे हम लेट हो जाएंगे। तुम भी इसके साथ जा रही हो? नहीं माँ, ट्रेनिंग सिर्फ इसके लिए है, ये अकेली जा रही है इसलिए इसे ड्रॉप करने जा रही हूँ। चल बैग ले ले। ओके माँ, दो। बाय माँ। बाय 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 विंदा, ये लो। किसी ने फोन लाकर नहीं दिया और लाएगा भी नहीं, तुम्हें इमरजेंसी में काम आएगा, रख लो। मोबाइल ठीक से रिपेयर किया ना? तेरा मोबाइल ठीक करने में मेरा दिमाग खराब हो गया, देख नए जैसा बना दिया। चल भाग यहाँ से। रुको रुको रुको, क्या हुआ? हेलो, चिल्लाओ मैडम, जितना चिल्लाना है उतना चिल्लाओ। मैं उधर आया था लेकिन आप मानेंगी नहीं। नहीं नहीं गणपा, तुम आए थे मुझे पता चला, मैंने तुम्हें ढूंढा भी, मोबाइल पर कॉल किया तो मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा था। कहाँ गए थे तुम? मैं उधर आके नर्स से आपके बारे में पूछ रहा था। हाँ? इतने में कोई आकर मोबाइल चोरी करके ले गया। फिर क्या हुआ? फिर क्या, मोबाइल छीन कर लाने तक सब कुछ गड़बड़ हो गया मैडम। मोबाइल बिगड़ गया था ना, इसलिए 2 दिन लग गए। अच्छी तरह से रिपेयर करवाया है। आप कहाँ मिलोगे बोलिए मैडम, मोबाइल ला कर दे दूंगा। नहीं अभी मत लाना गणपा, क्योंकि मैं शहर से बाहर जा रही हूँ। शहर से बाहर जा रही हूँ? हाँ, मुझे लौटने में 1 हफ्ता लगेगा, तब तक फोन तुम्हारे पास ही रखना। 1 हफ्ता लगेगा? अरे वो सब नहीं होगा मैडम, ये मोबाइल की वजह से बहुत तकलीफ हो रही है मेरे को। थोड़ा समझा करो गणपा, ओनली 1 वीक, बस जल्दी आ जाऊंगी। हाँ ठीक है मैडम, जाकर आओ, सब ठीक हो जाएगा। थैंक यू। क्या वृंदा, तुम पागल हो गई हो क्या? मोबाइल उसके पास रखने की क्या जरूरत थी? हम सब तुम्हारे अपने नहीं है क्या? माँ के पास देकर जाने के लिए बोलती। सौम्या, मुझे उन्हें देखने का मन करता है इसलिए मैं खुद कलेक्ट करूंगी, ऐसा कहा। चलो चलते। क्या हैं? बात है, पहले तो उसे तू कहती थी, अब वो अचानक आप हो गया। ऐसा कुछ भी नहीं यार, आखिर रिचार्ज करने वाला बकरा तुम्हें मिल ही गया। क्या? ओके ओके, क्या करें वहाँ? वो तो मैं आपसे कुछ पूछूं क्या? पूछो ना। आप फेसबुक पर हो क्या? अरे मैडम, ये फेस किसी भी पेज पे नहीं है। बोलिए मैडम। क्या मैं आपसे कुछ पूछूं? पूछिए ना। आपके कितने बच्चे हैं? क्यों हंस रहे हो? क्या मैडम, मेरे बच्चे अभी तक शादी नहीं हुई है। हेलो। बोलिए मैडम। हाय गणपा। सब काम हो गया क्या? हाँ, यहाँ सब काम ठीक से हुआ, सब लोगों ने मुझे इतना अप्रिशिएट किया। मुझे बहुत खुशी हो रही है। कब आ रही हो? अरे मैं कल ही आ रही हूँ। आप कल पक्का आ जाओगी ना मैडम? गणपा मैंने कितनी बार कहा आपसे, मुझे मैडम मत कहा करो। ठीक है, नहीं कहूंगा मैडम। देखा, फिर से मैडम कहा आपने। कुछ कहना चाहते हो क्या? वो हाँ बोलिए ना। कल फोन वापस देने के बाद सब खत्म ना, मैं आपसे बात नहीं कर सकता ना। हाँ और क्या बात करनी है। हाँ वो तो है। गणपा बुरा लगा क्या? जब से गाँव से आई हूँ काम से ज्यादा आपसे बात कर रही थी, यहाँ से लौटते ही पहले आपसे मिलूंगी। हाँ
पर आप मुझसे मिलोगे ना? मेरे को भी आपसे मिलने का बहुत मन कर रहा है मैडम। आपके भगवान गणपति की सौगंध, कल कुछ भी हो आपसे मिल ही लूंगा। तो फिर कल मिलके बात करते हैं, ठीक है ना? हाँ, और एक बात बोलनी थी। ए, मैं बाद में बात करता हूँ। ये क्या कर रहा है अरुण अण्णा? वो आप दो दिन से घर नहीं आए ना, तो अण्णा बोले कि लेकर आओ, इसलिए मैं आ गया। अरुण अण्णा, फोन किसका है? लड़की की आवाज़ आ रही थी, प्यार करता है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है अरुण अण्णा, कोई लड़की का फोन मेरे को मिला था तो वापस देने के लिए फोन किया था। क्यों हंस रहे हो अरुण अण्णा? पागल हो जाओगे यार, पागल हो जाओगे। आजा, इधर आना। अण्णा आज तुझे एक सुपर लव स्टोरी सुनाएगा। ये क्या है अरुण अण्णा, कितना गंदा है ये, भूत महल जैसा दिख रहा है। डर गया? यहाँ मैं ही एक भूत हूँ, हमारा पुराना घर। माँ के गुजर जाने के बाद पिताजी ने यहाँ आने से मना किया है, मैं दुखी होने पर कभी यहाँ आता हूँ। आ बैठे यहाँ पे, रहने दो अरुण अण्णा। बैठ जाना, चल बैठ। देखो, देख लो, कौन है ये अरुण अण्णा? बहुत खूबसूरत है। तुम्हें अच्छी लगी ना? मुझे भी बहुत अच्छी लगी। मैंने उसे पहली बार मार्केट में देखा। उसी दिन डिसाइड किया, शादी करूंगा तो उसी से। उसी पागलपन में मैं 6 महीने उसके पीछे पीछे भागा। मैं उसे कितना प्यार करता हूं ये उसे हर तरीके से जताया। फिर एक दिन, ए मेरा पीछा मत करो, 1000 बार बोला है, समझते नहीं हो क्या तुम? नहीं समझता। मुझे तो पसंद नहीं है। नहीं नहीं नहीं, क्या पसंद नहीं है? मैं मर्द नहीं हूँ, दिखने में स्मार्ट नहीं हूँ, क्या कमी है बोलो ना। मैं तुमसे नफरत करती हूँ बस। तू मुझसे नफरत करती है या प्यार, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे तू चाहिए बस। छोड़ दो। देखो जरा क्या हो रहा है। ज्यादा नखरे मत। छोड़ो मुझे। क्या कर रहा है? कॉलर छोड़। लड़की को क्यों छेड़ रहा है? चल यहाँ से। पुलिस पे हाथ उठाएगा। उस लड़की को इतना प्यार करने पर भी उसने तुमको पसंद क्यों नहीं किया? उसने ये नहीं बताया। अभी वो किधर है? किसी से शादी कर ली क्या? नहीं की होगी तो तू कराएगा क्या? पहले ये बताओ, हुई कि नहीं? नहीं हुई। मैं उसको उठा लूंगा, मंगलसूत्र रेडी रखना। मैडम मैडम, आज टैक्सी नहीं लोगे? आज टैक्सी नहीं चाहिए, मुझे कुछ पर्सनल काम है। ओके ठीक है मैडम। टायर, यही जगह है, वो लड़की 5 बजे ऑफिस से घर जाती है, तब हम उसे आराम से उठा सकते हैं। हेलो गणपा। हेलो। मैं अभी ऑफिस से निकली हूँ। मैं भी निकल रहा हूँ, एक छोटा सा काम आ गया, उसको खत्म करके आ जाऊंगा। मिलने के बारे में सोचकर कितनी खुशी हो रही है। मुझे भी बहुत खुशी हो रही है मिलने की। आज मिस के बिना आ जाओगे? हाँ हाँ, जरूर आ जाऊंगा। ओके बाय। ये टायर देखो, आ रही है। ए, गाड़ी चला। Oh,
मैं अरुण को बुला के लाता हूँ, इसका ध्यान रख। अरे कितना लेट कर रहा है यार। वृंदा मैडम। हेलो मैडम। मैडम क्या हुआ आपको? मुझे किसी ने किडनैप कर लिया। कहाँ हो? मुझे नहीं पता। ओमनी गाड़ी में, दो लोग बाहर खड़े हैं। क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। सुनो ना। हेलो। मुझे बचाओ प्लीज। प्लीज यहाँ पर आकर मुझे बचाओ ना। क्या हुआ? क्या हुआ? अरे हुआ क्या? ना क्या हुआ? आज मिलना है तुम्हें, बहुत खुश हूँ। अरे अरे टायर बताओ ना क्या हुआ? आप लोग कौन हैं? मुझे छोड़ दीजिए प्लीज। टायर क्या हुआ? मेरी माँ का मेरे सिवा कोई नहीं है। अरे टायर बता ना। छोड़ दीजिए मुझे भैया, आप तो बोलिए ना, छोड़ दीजिए मुझे प्लीज, छोड़ दो, छोड़ दो ना मुझे प्लीज, मुझे छोड़ दो प्लीज, छोड़ दो मुझे। अरे टायर क्या हुआ बताओ ना क्या हुआ? अरे बताओ भी। अरे तेरे को बाद में बताता हूँ, उसको वापस छोड़ के आओ तो सही। अरे देखना वो कितनी डर गई है। ए, तेरे को बोला ना, जा छोड़ के आओ उसको। छोड़ो ना। पहले जाओ उसको छोड़ के आ। चलो चलो। अब कहाँ लेकर जा रहे हो? ये आवाज मत कर, तुझे तेरे घर ही ले जा रहे हैं। लड़की कहाँ है? वो ग्रुप में थी तो पता नहीं चला। ग्रुप में थी पता नहीं चला। ए! उस लड़की को उठाने के लिए क्या मैंने कहा था? नहीं अरुण अन्ना, तूने खुद ही कहा था। अब झूठी कहानी बता रहा है, तुझे क्या लगा मैं तेरी झूठी कहानी पर विश्वास कर लूंगा? अरुण अन्ना वो निकल निकल, मेरे सामने खड़े मत रहना। अंकल टायर नहीं कहा था। टायर, ये टायर, टायर। हे, अगर अन्ना को पता चल गया तो जानता नहीं क्या होगा। अगर तू उस लड़की को उठाकर उसके पास लेकर जाएगा तो क्या उससे वो शादी करके घर बसाएगा? बोल। गलती हो गई अंकल, अरुण अन्ना ऐसा है पता नहीं था। जब वो छोटा था तब से जानता हूँ उसे, उसकी आदतें बहुत बुरी हैं, लड़कियों का शौकीन है वो, उसकी पूजा नहीं करेगा, ऐसे लोगों की मदद करने चला है। जब तू जान गया कि मोबाइल उसी लड़की का है तो तूने उसे वापस क्यों नहीं किया? अब देखा ना क्या हुआ। अंकल वो मेरे को अच्छा लड़का समझती है अंकल। ओ अंकल, उस लड़की से प्यार हो गया तुझे? बोल कौन है, अरुण है क्या? वो लड़की है। ए, चल निकल। हेलो, कौन हो आप? वो वृंदा मैडम, मैंने जानबूझ के नहीं किया। देखिए आप कौन हो ये मुझे पता नहीं, मैंने आपको देखा भी नहीं, लेकिन जब भी आपसे बात की है मेरा भला हुआ है। ये सब कोइंसिडेंट है ऐसा मेरी फ्रेंड कहती है, लेकिन आज किसी ने मुझे किडनैप किया, ऐसा लगा मेरी जिंदगी ही बर्बाद हो गई। इतने में मैंने आपको कॉल किया, पता नहीं क्या हुआ उन लोगों ने मुझे छोड़ दिया। ये सब कैसे हुआ गणपा? मैं कुछ नहीं जानती गणपा, मुझे आपसे अभी मिलना है। कहाँ मिलोगे बोलो? मैं शहर से बाहर जा रहा हूँ। शहर से बाहर क्यों? मेरे को अर्जेंट कुछ काम आ गया है, इसके लिए जाना पड़ रहा है। तो और कितने
इतने दिन आपसे नहीं मिल पाऊंगी। मैं मेरे लड़के के हाथों फोन भिजवा दूंगा। गणपा, आज तक मैंने आपको कभी देखा नहीं है, लेकिन दिन में एक बार भी आपसे बात किए बिना नहीं रह सकती। एनीवे, आप आने के बाद आपसे मोबाइल ले लूंगी। विश यू हैप्पी जर्नी, बाय। यस, एक्सक्यूज मी सर, आई गॉट योर मेल। या, कम इन। हाय सर। हाय, प्लीज बी सीटेड। थैंक यू। यू नो वन थिंग वृंदा, मैंने तुम्हें टीम लीडर प्रमोट किया है, यू नो, सो आई विल गिव यू अ ट्रीट। एक्चुअली मैंने बीवी को वैकेशन के लिए गांव भेजा है, आज तुम आओगी और हम ग्रैंड सेलिब्रेशन करेंगे, व्हाट यू से? सर, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। कम ऑन वृंदा, ये सब तो कॉमन है। व्हाई डोंट यू जस्ट अंडरस्टैंड वृंदा, जस्ट थिंक, अब तुम टीम लीडर, फिर मैनेजर, और आहिस्ता आहिस्ता। सर, यू आर एम्बैरेसिंग मी, प्लीज डोंट बिहेव लाइक दिस। फोन करने वाली थी। देख लिया ना, आपके याद करते मैंने आपको तुरंत फोन किया। गणपा, मैंने अपना जॉब छोड़ने का सोचा है। क्यों, क्या हुआ? मेरे ऑफिस में वो मेरा बॉस बहुत टॉर्चर कर रहा है मुझे। आप अपना दिमाग खराब मत करो, आपका भगवान गणपति सब ठीक कर देगा। कल से काम पर जाइए। चलो चलो चलो, जल्दी चला जा, जल्दी आ, जल्दी आ। प्लीज मुझे छोड़ दो, प्लीज मुझे जाने दो, मेरे सारे पैसे ले लो। और आई विल कॉल द पुलिस। लीव मी, प्लीज लीव मी, प्लीज प्लीज लीव मी, प्लीज यार प्लीज लीव मी, व्हाट डू यू वांट, लीव मी। अरे वाह, अरे वाह, अरे वाह, इंपॉर्टेंट, प्लीज लीव मी। डिचक, आज तो फुल पार्टी करूंगा। ए, पीने के बाद प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? ये सब इंपोर्टेड ड्रिंक्स हैं। कुछ भी हो, सब इसमें निकल जाएगा। ए टायर, एक पैक पिएगा क्या? चलो रहने दो। कौन है ये? बीवी है ना तेरी? घर पे इतनी सुंदर बीवी रख के वृंदा भी चाहिए क्या तेरे को? कान खोल के सुन ले, फिर से वृंदा को तंग किया ना, काट डालूंगा। आइंदा ऐसा मत करना, समझा क्या? नो सर, प्लीज सर, तेरी बीवी तेरे को पति नहीं कह पाएगी। छोड़ दीजिए सर, प्लीज सर। चल बे। ठीक है, आ रहा हूँ मैं। बस हो गया अंकल, और बचा ही क्या है उसमें? ए, जैसे दाने दाने पर लिखा होता है खाने वाले का नाम, उसी तरह इसकी हर बूंद पर मेरा नाम लिखा हुआ है, समझा? क्या ढूंढ रहे हो अंकल? यहाँ चिकन पड़ा था ना, कहाँ चला गया? मैंने दो पीस खाए अंकल। वो दो पीस नहीं थे, दो प्लेट थे। इसने तो हड्डी भी नहीं छोड़ी, पता नहीं मैं इसे साथ लेकर आया ही क्यों। हेलो गणपा। बोलिए मैडम। आपको पता है क्या, वो हमारा बॉस है ना, मेरे यहाँ आकर सॉरी बोला उन्होंने। मैंने उसी दिन बोला था ना मैडम, आप अपने गणपति पे भरोसा कर सकती हैं। गणपा, मुझे आपसे और एक बात करनी थी। अरे हाँ तो बोलिए ना मैडम। जब से आपको जाना है तब से मैं बहुत खुश हूँ। आपका इनोसेंस, वो अच्छाई, वो पॉजिटिव थिंकिंग, ये सब मुझे बहुत पसंद है। सो मेरी जिंदगी आपके साथ गुजारने की सोच रही हूँ। आई लव यू गणपा, आई लव यू। हेलो, हेलो गणपा, आप सुन रहे हैं ना? हाँ सुन रहा हूँ, बोलिए ना। आज तक मैंने आपको नहीं देखा, आपने मुझे नहीं देखा, ये सब क्या है? मैं उसके बारे में नहीं सोचती, अब जैसे भी है मेरे लिए ठीक है। और मैं कैसी हूँ ये आप मुझे देखेंगे तब पता चलेगा।
जल्दी ही कुछ सोचकर मुझे कॉल कीजिए, मैं वेट करूंगी। ओके अंकल, वो लड़की मेरे को प्यार करती है अंकल। शादी कर ले और एंजॉय कर। हाँ। मैं कहाँ वो कहाँ अंकल, उससे शादी करने वाला बहुत पढ़ा लिखा होना चाहिए, अच्छी जॉब पे होना चाहिए। आपको तो पता है ना अंकल, अपनी लाइफ में कभी भी कुछ भी हो सकता है। बोल सुरेश। हम लोग बार में थे, वहां रघु ने अटैक कर दिया, गणपा ने उसे खत्म कर दिया। क्या? मेरी समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या करें। तुम दोनों दो दिन के लिए हमारे लॉज में रहो। ठीक है ना? क्या वरना? गणपा ने रघु का खून कर दिया। अर्णा ऊपर से बहुत प्रेशर है, अरेस्ट करना ही पड़ेगा। वो नहीं मिल रहा है, पता नहीं कहाँ पर छुप कर बैठा है वो। आप उसे सरेंडर करने के लिए कह दीजिए ना, बाकी सारी फॉर्मेलिटीज मैं देख लूंगा। मुझे पता है मुझे क्या करना है, तुम जाओ। ठीक है महादेश। अन्ना, उस वकील को फोन करो। जी। कौन है? अंकल मैं मणि। देखिए क्या हालत हो गई है, कितनी बार कहा है ये सब छोड़ दो। कुछ नहीं हुआ, चुप कर। आपके अलावा मेरा है ही कौन? कड़पा, ये क्यों हो गया कड़पा? लेकर आया कैसे? लेकर चलो अंकल, आंटी ने बोला तुम्हें लेकर। मेरी तो किस्मत ही खराब है। खाना खाया आपने? कौन आप कैसे खाओगे, पी पी कर पेट जो भरा होगा। चलिए बैठिए। अरे नीचे बैठिए। पता है आपको
मेरी तो जान ही निकल गई थी। आप जिंदा है या मर गए कुछ भी पता नहीं था मुझे। चलिए छोड़िए ये सब। वैसे तुम भी खाओगे इसमें? अब याद आई आपको मेरी? चलिए खाइए। क्या रे ऐसे क्यों देख रहे हैं? नहीं आंटी, अंकल को रोज गाली देती हो, मारती हो, झगड़ा करती हो, लेकिन अंकल को कुछ हो गया तो प्यार भी कितना जताती हो। इसे ही जिंदगी कहते हैं। खाइए। आपको देखता हूँ तो बहुत खुशी होती है आंटी, लेकिन मेरे को ऐसा जीवन नहीं मिलेगा ना। ए, रोना बंद कर। उस लड़की ने तुझसे फोन करके शादी करने के लिए कहा था ना, अब किस बात की चिंता है तुझे? वो नहीं होगा अंकल, मैं इस हाल में हूं तो रहने दीजिए। मैं उस लड़की को उसका फोन देके माफी मांग लूंगा अंकल। ए, ऐसे जल्दबाजी क्यों कर रहा है? जैसा ये कह रहे हैं वैसा कर। ऐसा नहीं होगा आंटी, मैंने उस लड़की को बहुत तकलीफ दी है। क्या तकलीफ दी है उसे? अनजाने में तूने उसे किडनैप कर लिया, बस इतना ही ना? इस बात को छोड़कर बाकी सब कुछ अच्छा ही किया है ना उसके साथ? मेरी बात मान, सीधे उसके पास जाकर सब कुछ साफ साफ बता दे, वो जरूर समझ जाएगी। आंटी, ऐसा हो सकता है क्या? देख मेरी बात मान ले, तेरा नाम भगवान का नाम है, सब अच्छा ही होगा। भगवान सब ठीक कर दे। क्या हुआ? कैसी हो वृंदा? उसे तुझे क्या, यहाँ क्यों आए हो? तुम्हारे लिए आया वृंदा। जेल में जाकर भी अकल नहीं आई तुझे? देख ये देख, मैं जेल किसकी वजह से गया था? तेरी वजह से ना। मुझे समझो वृंदा, मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ पता है? तुम भी मुझे समझो, मैं किसी और से प्यार करती हूँ, शादी करूंगी तो सिर्फ उन्हीं से करूंगी। मैं उनका इंतजार कर रही हूँ, भगवान के लिए यहाँ से चले जाओ। मेरी नहीं हो सकती तो और किसी की नहीं हो सकती। मुझसे भी अच्छी लड़की तुम्हें मिलेगी, प्लीज यहाँ से चले जाओ, बस वो आते। ए, क्या हुआ, मुंह लटका के क्यों खड़ा है? एक बहुत बुरा सपना देखा, वो सोच के दुखी हो रहा हूँ अंकल। क्या यार, कल तो मर्डर, पुलिस के सब कुछ हो गया ना, अब तू चिंता मत कर, जो कुछ भी होगा अच्छा ही होगा। हाँ हाँ जानू। हाँ। एक कप चाय बना दो। मेरे के 10 हाथ हैं, बस 2 ही हाथ हैं मेरे। सुबह उठते ही चाय चाय चिल्लाने लग जाते हो, वरना पूरे दिन दारू पीकर झूलने लग जाते हो, एक दिन दारू पीकर मर जाओगे देख लेना। हाँ। ए, क्यों रे मुंह क्यों उतरा है तेरा? कुछ नहीं। सुन, आज गणेश जयंती है, मंदिर जाकर भगवान का आशीर्वाद लेकर उस लड़की से मिल लेना, कल जो बताया था वो याद है ना तुझे? उसे देखते ही ऐसे ई करके दांत दिखा के लौट मत आना, दिल में जो कुछ है सब बता देना उसे, समझा? आज भगवान ने चाहा तो सब अच्छा होगा। हाँ जा। ए सुरेश, क्या बात है अरुण, यहाँ क्यों आ गया? ए गणपा, गाड़ी में बैठ। अरुण अन्ना, आज गणेश जयंती है ना, तो अन्ना ने मेरे को जल्दी आने को बोला है, कुछ जरूरी काम है इसके लिए। ए, उसे भी जरूरी काम मेरा है, चल गाड़ी में बैठ, चल बैठना। आखिर अरुण इसे लेकर गया कहाँ होगा? अरुण अन्ना, क्या है, इधर क्यों आए हैं? ए बेकार का भेजा मत खा, ला दे मुझे। प्रणम्य शिरसा देवं गौरी पुत्रं विनायकं। नमस्ते माजी। नमस्ते, तुम कौन हो बेटा? माजी बाहर से ही बात कर रहे हो। वृंदा जितनी खूबसूरत है घर भी उतना सुंदर है। पर बात क्या है? माजी बात सिर्फ इतनी सी है, आज मेरी शादी है, पहला इन्विटेशन वृंदा और आपको देकर उसे और आपको साथ लेकर जाने आया हूँ। ये क्या बेटा, आज ही शादी और आज ही इनविटेशन देने आए हो? एक मिनट। हाँ अरे तुम कहाँ जा रहे हो? सब्र करो माँ जी, शगुन के साथ देता हूँ। कौन आया है माँ? कौन है? वृंदा माँ।
तुम बैठ जाओ, वो आ जाएगी। वृंदा, ये कौन है तुम्हें पता है? हमें शादी का इनविटेशन देने आया है और आज ही शादी है। मैंने बताया था ना वो अरुण, यही है। क्यों डरती हो वृंदा? आज मेरी शादी है, पहला इनविटेशन तुम्हें देने आया हूँ, ले लो। बात कर लो। नहीं कोई बात नहीं। तो कट करो ना। ये कट क्यों कर रही है? माँ जी ऐसे ही खड़ी है, लेने को बोलिए ना। ले लो बेटी। माँ, यह मेरा नाम है। ये सब क्या है? मैं आपके बेटी से लव करता हूँ और किसी दूसरी से शादी करूंगा तो भगवान मुझे पाप देंगे ना माँ जी। देखो मैं, माँ भी तो भगवान होती है, मुझे माफ कर दीजिए। आज गणेश चतुर्थी है और आज शादी करने वाले खुश रहते हैं। मैं आपको और वृंदा को लेने आया हूँ, आप दोनों रेडी रहिए। हाँ, मैं नीचे इंतजार करता हूँ। देखो वृंदा, अगर तुमने पुलिस में कंप्लेंट की तो जो फूल शादी के लिए लेकर आया हूँ वो तुम्हें अपनी माँ की अर्थी पे सजाने होंगे। चलता हूँ माँ जी। तू एक काम कर, पुलिस को फोन कर, जल्दी करना। नहीं माँ, पुलिस नहीं, भगवान। हेलो, मैं आपको फोन ट्राई कर रहा हूँ। हेलो गणपा। अरे क्या हुआ आपको? अरुण हमारे घर पर आया था। हाँ? अब तक यही था, अभी निकला है। अरे ये वृंदा जी का घर है। चलो अरुण अन्ना चलते हैं। क्या हुआ? मेरी बात सुनो, चलो यहाँ से। अरे हुआ क्या? अरे क्या हुआ ये तो बताना। अरुण अन्ना चलो गाड़ी में बैठो। ए, मुझे बता। अन्ना समझ में नहीं आता है क्या? उस पे आवाज चढ़ाएगा। तेरा उसके साथ क्या रिश्ता है? अन्ना बात को समझा करो। तेरा उसके साथ क्या रिश्ता है ये बता। बताने के बाद अरुण वापस नहीं आया। अभी वो कभी नहीं आएगा। गणपा, हम ये शहर छोड़कर जा रहे हैं। मैं आपसे ऐसे ही मिले बगैर जा रही हूँ, बहुत बुरा लग रहा है मुझे। मैं आपसे मिल सकता हूँ? गणपा, आप तो शहर से बाहर है ना? आपको मिलकर मैं सब कुछ बता दूंगा। मावली गणेश मंदिर के पास आ सकती हो? मैं जरूर आऊंगी गणपा। अब तक उसी का तो इंतजार कर रही थी मैं।
तुम्हें मिलकर सब कुछ बता दूंगा। ये यहाँ क्या कर रहा है? पक्का आ जाना, मैं वहीं पर मिलूंगा। बोलो महादेश। अन्ना, अन्ना, अरुण अन्ना को मार दिया अन्ना। क्या बोल रहा है? मार दिया। क्या हुआ? अन्ना क्या हुआ? मार दिया। अरुण, अरुण अन्ना, आगे खोलो ना, आगे खोलो। अरुण, 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 अन्ना, देखो, देखो अन्ना मार दिया। इतनी बार कहा कि जेल से बाहर मत, जेल से मत आ बाहर, मेरी एक नहीं सुनी तूने। किसने मारा मेरे पिंड को? गड़पा, गड़पा ने। गड़पा, वो साला, तुझे पता उसने ऐसा क्यों किया? ऐसा क्यों किया? बता मुझे ऐसा क्यों किया? एक बार अरुण भाई ने एक लड़की को किडनैप किया था। पता चला गड़पा उसे प्यार करता है तो उसे वापस छोड़ दिया। लेकिन एक लड़की के लिए ऐसा करेगा मालूम नहीं था भाई। मेरा बेटा शमशान घाट पहुंचने से पहले उन दोनों को खत्म कर दो, खत्म कर दो उन दोनों को। हेलो, तूने अरुण को क्यों मारा? हाँ? अरुण मर गया क्या? एक लड़की के लिए तूने उसे मार दिया? नहीं अंकल, सच्ची मुझे नहीं मालूम, मैंने नहीं किया अंकल। लड़की को तंग मत करना अरुण, भाई है इसलिए छोड़ रहा हूँ, बात को समझ अरुण। कितना कमीना है रे तू। तो फिर ये काम किसने किया? मुझे मुझे नहीं मालूम अंकल। मेरी बात सुन, उस लड़की के लिए तुमने अरुण को मारा ये समझकर अन्ना ने अपने आदमी भेजे हैं तुम दोनों को मारने के लिए। देख अब जो भी हो जाए उस लड़की को बचाना होगा। नहीं अंकल, उसे कुछ नहीं होगा। भैया जरा जल्दी चलो ना। अन्ना, अन्ना, मैं सच कह रहा हूँ, गणपा ने अपने अरुण को नहीं मारा, मैंने अभी भी उससे बात की है, वो मुझसे कभी झूठ नहीं बोल सकता। अन्ना, तो महादेश झूठ बोल रहा है? महादेश बोल, किसने मारा उसे? बोल नहीं तो काट डालूंगा। बोल महादेश। हाँ हाँ, मैंने मारा, मैंने मारा। ए, ए महादेश, पकड़ो उसे, पकड़ो महादेश भाई। क्या हुआ? उसे पकड़ो, हुआ? वो मुझे मार के जा रहा है, पकड़ो उसे महादेश, पकड़ो उसे। तुझे अपने बच्चे जैसे पाला, तूने से क्यों किया? क्यों? याद है जय अन्ना, तूने और मुत्थू अन्ना ने मिलकर मेरे बाप और मेरे भाई को कुत्ते की मौत मार डाला था। उसी दिन मैंने सोच लिया था तेरे गैंग में शामिल होकर तेरे खानदान को खत्म कर दूंगा, खत्म कर दूंगा मैं। खत्म तो तुम मार्केट में ही हो जाते, लेकिन टायर ने तुम्हें बचा लिया। जब तक टायर है मैं तुम्हें कुछ नहीं कर सकता था, जान चुका था मैं, इसीलिए मैंने टायर को मुत्थू अन्ना के खिलाफ भड़काया। अंकल, 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 अंकल,
अगर मैं यहाँ रहूंगा तो वृंदा को खतरा है, उसको कुछ नहीं होना चाहिए। ए, चल अंदर जाके ढूंढते हैं। ए मड़े, ए वो रहा वहां पर, पकड़ो उसे। ए मणि, मेरा कोई कसूर नहीं है, समझा कर रहे हैं? तेरी तोप। ए क्या कर रहा है? हेलो भाई, गणपा को खत्म कर दिया। कहाँ हो तुम लोग? गौड़ा के कंस्ट्रक्शन साइट के पास। उसने अरुण को नहीं मारा, उसे महादेश ने मारा है। ये सारी गलती महादेश की है, उसने किसी को नहीं छोड़ा। जय अन्ना को भी मार दिया। अबे कहाँ थे तुम लोग? हाँ बोलो कहाँ थे? देखो 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 देखो, यहीं पर हूँ। मैंने उस दिन कहा था ना, मुझे किडनैप किया था, वो यहाँ भी आया है गणपा। प्लीज जल्दी आइए गणपा। कुछ नहीं होगा, क्यों डर रही हो? मेरी बात सुनो, उस दिन जो कुछ भी हुआ था ना, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है गणपा। हेलो गणपा, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। हेलो हेलो गणपा, हेलो अभी सुनाई दे रहा है क्या? हेलो हेलो
हेलो वहां देखो किसी ने चाकू मार दिया अरे वहां देखो नहीं है।